हाय फ्रेंड, मैं सिद्धार्थ सर आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने ऑलरेडी दो लेक्चर बना चुका हूं। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर स्टार्ट किया मैंने मापन और तथा मात्रक, उसमें से मैं एक टॉपिक आज अदिश और सदिश बताने जा रहा हूँ। ये देखो, देखा जाए कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, किसी न किसी कंपटीशन में एक दो प्रश्न को देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम इसको रट के चले जाते हैं कि अदिश वाला सदिश में कर देते हैं और सदिश वाला अदिश में कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखना, और आपको आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको क्या होगा कभी भूल नहीं पाएंगे, और इसमें का कभी क्वेश्चन आया तो आप अच्छे से करके आओगे। तो दोस्तों, आज थोड़ा मैं इसके बेसिक डिफिनेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद में इसको कैसे सीखा जाता है और कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, पहले हम राशियां, ये जो अदिश और सदिश राशियां बनी हुई है, ये जो अदिश और सदिश राशियां बनी है दिशा व परिमाण के आधार पर पड़ी है। तो परिमाण क्या होता है, किसी चीज की माप, और वो किस चीज में माप रहे हैं, वो अगर दिशा के साथ माप रहे हैं, तो अगर ऐसी कहीं कैटेगरी आ रहे हैं तो किस में आएगी, अदिश और सदिश में आएगी। तो पहले दोस्तों समझते हैं अदिश क्या होता है। अदिश में दो चीजें होती हैं, परिमाण और दिशा, यानी क्या इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी और परिमाण की आवश्यकता होगी। तो परिभाषा इसकी कह सकते हैं, वे राशियां जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो होती उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और सेम चीज यहाँ पे होगा, राशियां दो चीज पे बताई, ये दो वर्ड पे ही काम करती है, परिमाण और दिशा पर। तो इसमें भी परिमाण व दिशा, यानी परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, यानी कोई चीज अगर क्या दिशा के साथ मापी जा रही है तो किसकी कैटेगरी में आएगी, वो सदिश की कैटेगरी में आएगी। लेकिन इनका या तो इसकी परिभाषा ऐसे कह सकते हैं, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए या जिन्हें मापने के लिए हमको परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम सदिश राशियां कहते हैं। अब इन्हीं से मिला जुला एक रूप आता है क्या, प्रदिश राशि। इन दोनों को मिलाकर कौन सी राशि बनती है, प्रदिश। प्रदिश राशि, प्रदिश राशि वे राशियां होती है जो जरूरत पड़ने पे कहीं कहीं अदिश का काम करती है और कहीं कहीं क्या सदिश का काम करती है। तो दोस्तों, थोड़े से एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद में इसको कैसे निकालना है उसको देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि मूल राशियां जितनी भी होगी, मूल राशियां जितनी भी होती है किसमें आएगी, वो अदिश राशि में आती है। तो मूल राशियों की संख्या मैंने बता चुकी है पिछले वीडियो में, टोटल 7 होती है, अगर मुख्यता पूछेगा तो टोटल कहते हैं 9 होती है, और मुख्यता पूछेगा तो 7 होती है। तो दोस्तों, इसमें को आपको कुछ 3 एग्जाम्पल याद करने हैं, और इन्हीं एग्जाम्पल से आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं लंबाई को याद करना है, उसके बाद कह सकते हैं लंबाई कह दीजिए या दूरी कह दीजिए, उसके बाद समय को और वैद्युत धारा, ये कैसी राशियां होती हैं, अदिश राशियां में आएगी, और ये क्या मूल राशियों के अंतर्गत भी आती है। उसमें हमको क्या याद रखना है, विस्थापन, और क्या याद कर लेंगे, वेग याद कर लेंगे। अब इन्हीं राशियों से मैं पूरी राशि निकलवाना सिखाऊंगा। और जैसे मान ले कभी कभी पूछ लेता है प्रदिश राशि है, तो मैंने बताया कि जो अदिश सदिश दोनों को काम करे वो क्या होती है, प्रदिश राशि होती है। तो इसमें क्या आता है, जैसे मान लेते हैं जड़ता गुण, और आता है बला गुण, और आता है प्रतिबल, और भी कई एग्जाम्पल, जैसे कहें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और निर्वात की चुंबकीयता, ये सब किसमें आएंगे, प्रदिश राशि में आते हैं। तो लेकिन ये एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन बनते अदिश और सदिश में। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज बताऊंगा, बस आप क्या करना है, आपको अगर कहीं सदिश दिखे तो आप इसके लिए क्या मान के चलना, प्लस मान के चलना है आपको, और कहीं आपको अगर सदिश राशि दिख जाए, यानी सदिश को हमको किसको डिनोट करना है, माइनस से, यानी कहीं भी अगर माइनस सिंह अगर लास्ट में तुमको बनेगा तो क्या देखना है, माइनस वो सदिश को दर्शाएगा, और प्लस सिंह जो होगा किसको दर्शाएगा, अदिश को। अब इसी बेस पे दुनिया की जितनी भी राशि आप देखो अभी आराम से कर लोगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया अदिश के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, किस चिन्ह का, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और सदिश के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, आप माइनस का। अब थोड़ा हमको मैथ आनी चाहिए, तो देखिए क्या करना है, जैसे मान लेते हम प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो क्या होता है, हमको बराबर प्लस मिलता है, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लस मिलता है, प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस मिलता है, और माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो
माइनस मिलता है। यही तो इतना सभी को पता होना चाहिए। ये तो कक्षा 5 वाले विद्यार्थी भी क्या जानना स्टार्ट कर देते हैं, और वैसे भी क्या कंपटीशन में हो तो इतनी चीज क्या मैथ में तो आपको आती ही होगी। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे क्या होगा, आपको पूरा अधिस और शदिस तैयार होगा। तो दोस्तों देखते हैं कैसे हम याद करते हैं। और जो मैंने इसमें 3 राशि आपको बताए, इसमें 2 राशियां बताई, आपको ये दोनों याद रहनी चाहिए। कि क्यों होता है ये, एक हिसाब से उसका क्या बेस है यानी जड़ है। तो आप देखते हैं, जैसे हमको निकालना है चाल, चाल हमको नहीं पता है कैसी राशि, तो हम क्या चाल का फार्मूला तो पता है हमको। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और मैंने अभी लिखा था दूरी है, दूरी दूरी के लिए किसमें आता है, दूरी दूरी में अधिश में बताया, तो अधिश के लिए क्या प्लस वन ले लेते हैं। और समय भी अधिश होता है, इसके लिए क्या होगा प्लस वन। जब इसको हल किया जाए क्या आएगा प्लस वन। तो प्लस इन किसको दर्शाएगा, अधिश को। तो प्लस इन किसको दर्शाएगा, अधिश। तो लेकिन अगर देखा जाए क्वेश्चन बन गया कि नहीं हमारा, कि चाल कैसी राशि है, तो क्या बताया जाएगा, अधिश। क्योंकि क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अब जैसे हम वेग के लिए निकालते हैं, तो वेग के लिए निकालते हैं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन के लिए मैंने अभी सदिश, विस्थापन को मैंने सदिश में लिया था, सदिश के लिए क्या चिन्ह बताया, माइनस। तो इसको -1 लिख सकते हैं। और समय को क्या होता है, प्लस यानी अधिश राशि है। और जब इसको हल किया जाएगा क्या आएगा, -1। तो लास्ट का जो परिमाण आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो माइनस के लिए क्या लिखेंगे हम, सदिश राशि। तो वेग हमारा क्या होगा, सदिश राशि। तो देखो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या होता है इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। लेकिन ये क्या होता है, बाद में कुछ राशियों पे लागू होता है लेकिन सभी राशियों पे लागू नहीं होता है। अब मैं देखो कई सारी राशि इस पे निकाल के बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे त्वरण के बारे में हमको निकालना है। त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, वेग परिवर्तन और बट्टा समय अंतराल। तो देखते हैं वेग के लिए अभी मैंने क्या निकाला था, अभी वेग को पता, अभी आपने देखा होगा वेग कैसी राशि को दर्शा रहा था, सदिश राशि को। सदिश को किससे लिखेंगे हम, -1। और समय अंतराल या समय कहिए, तो समय के बारे में बताया तो क्या होगा, +1। अब इसको हल किया जाएगा क्या आएगा, -1। तो माइनस चिन्ह किसको दर्शाएगा, सदिश को। यानी त्वरण हमारी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। जैसे हम निकालते हैं बल के बारे में, कि बल कैसी राशि है हमको नहीं पता, लेकिन हमें कांसेप्ट पता है तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो बल बराबर क्या होता है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड गुणे क्या होता है, त्वरण। यानी अब बराबर एमए आपने पढ़ा होगा, और इसको किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो द्रव्यमान अभी बताया किसने था, अधिस राशि में था, तो अधिस के लिए क्या होता है, +1। और त्वरण क्या आया है, माइनस। यानी क्या माइनस होगा, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो माइनस इन किसको दर्शाएगा, सदिश को। यानी बल कैसी राशि होती है, सदिश होती है। अब देखते हैं कार के बारे में, कि कार कौन सी राशि है। तो कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो देखो दोस्तों बल कैसी राशि आई है, माइनस, यानी क्या सदिश राशि है। तो सदिश के लिए क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं। और विस्थापन कैसी राशि है, इसको तो मैंने अभी सदिश में बताया, तो इसके भी क्या होगा, -1। तो माइनस माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस आएगी तो कौन सी राशि को बताएगी, अधिश राशि को। तो कार्य कैसी राशि होती है, अधिश राशि होती है। अब देखो दोस्तों ये निकलता चला जा रहा है। अब देखो मैं और राशि अब निकाल के दिखाता हूँ। जैसे हमको निकालना है दाब का, कि दाब कौन सी राशि है हमको नहीं पता है। तो दाब का फार्मूला हमको पता है, तो दाब का फार्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। यानी एकांक क्षेत्रफल कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब ये क्या क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल अभी तो आप देखे, बल के बारे में मैंने बताया, और बल कैसी राशि निकली हुई थी, सदिश। सदिश के लिए क्या लेंगे, -1 लेंगे। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, दो काम करता है, इसको आप ध्यान देना। क्षेत्रफल अगर दिशा के साथ मापा जाएगा, क्षेत्रफल में अगर दिशा है तो हमेशा क्या बन जाएगा, सदिश बन जाएगा। और दिशा नहीं है तो क्या होगा, ये अगर दिशा के साथ नहीं माप रहे तो क्या बनेगा, ये अधिश बनेगा। अब देखो दोस्तों समझते हैं, यदि आप किसी सतह पे अगर बल लगा रहे हो तो क्या होगा, हमेशा लंबवत काम करता है। यानी अगर ऐसे लगा रहे हैं दिशा में हो रहे, यानी क्या बल के लिए हमेशा दिशा की आवश्यकता होती है। अगर दिशा की आवश्यकता होगी तो क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, हमेशा सदिश। तो सदिश को हम किससे लिखते हैं, -1 से लिखते हैं। और माइनस माइनस हल करेंगे और इसको जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। तो प्लस किसको दर्शाएगा, अधिश को। तो दाब कैसी राशि होती है, अधिश राशि होती है। जैसे और देख सकते हैं हम, जैसे मान लेते हैं घनत्व देखते हैं। तो घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो द्रव्यमान कैसी राशि है, अधिश राशि। तो अधिश को किससे लिखते हैं, +1 से लिखते हैं।
और आयतन क्या होता है? अदिश राशि। क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वी बराबर एल बी एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है? ऊंचाई। तो यानी क्या है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये क्या बताती है? दूरी को बताती है। और दूरी कैसी राशि होती है? अदिश। तो अदिश के लिए क्या करते हैं? टोटल ये क्या बन गया? बन के आएगा प्लस। तो प्लस पे प्लस से भाग करेंगे तो क्या आएगा? प्लस वन आएगा। तो प्लस सिक्स किसको दर्शाएगा? अदिश राशि को बताएगा। और भी ऐसी जितनी भी राशि है, आप देखो इससे कई चीज सीखने को मिल रही है। एक तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं तो आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा, और उसके साथ क्या, आपका अदिश अदिश का कंफ्यूजन भी हमेशा के लिए क्या होगा? दूर हो जाएगा। ऐसी और जितनी भी राशि होगी आप क्या होगा? आराम से निकाल ले जाओगे। और कुछ मैं शॉर्ट ट्रिक इसकी बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई भी राशि के आगे या पीछे आपको यदि आघूर्ण शब्द दिख जाए, तो आघूर्ण शब्द दिख जाए तो हमेशा आपको रट लेना है वो कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। या तो आपको कोई भी ऐसी कुछ राशियां मिल जाए जिसमें क्या मिल रहा है? वह शब्द आ जाए, तो वो किसको दर्शाता है? सदिश को दर्शाता है। सभी तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ जो मुख्यतः पूछी जाती हैं मैं उसको बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग। अब देखो इन सभी राशि में क्या रहा है? वा शब्द आ रहा है। अगर वा शब्द आएगा तो इसमें कुछ नहीं समझना है, ये ट्रिक एक हिसाब से तुम्हारी बन जाएगी। क्या होगा? सदिश राशि। यानी आघूर्ण शब्द आ जाए तब भी क्या समझेंगे? सदिश राशि को समझेंगे। और वा शब्द कहीं दिख जाएगा तब भी क्या होगा? सभी तो नहीं होंगे, लेकिन ये जो मुख्यतः पूछे जा रहे हैं इसके लिए आप क्या होगा? श्योर रहोगे कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। और आप क्या करना, कोई भी कंपटीशन की कोई भी बुक उठाना, उसमें फार्मूला देखना और अपने से निकालने की कोशिश करना। मुख्यतः सभी राशियां क्या है, एक दूसरे जुड़ती चली जाएंगी और आपको क्या होगा? कंफ्यूजन हमेशा दूर होगी। मतलब एक दो मतलब क्या सेकेंड का टाइम लगेगा जरूर, लेकिन आप क्या बताओगे? एग्जैक्ट बताओ। यानी रटने से अच्छा क्या, हमको उसको सीख के याद करते हैं। तो दोस्तों, और जिन लोगों ने जनरल साइंस के पार्ट वन व पार्ट टू नहीं देखे हैं, वो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। क्योंकि क्या होता है, आप यदि किसी चीज को क्रम बाय क्रम करते रहेंगे तो चीजें आपको क्या अच्छे समझ में आएंगी। और दोस्तों ये एक इसके बाद में एक लेक्चर और बताऊंगा, उसके बाद में 50-60 क्वेश्चन क्या इसके एमसीक्यू करवाऊंगा, ताकि आपको क्या इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या क्वेश्चन भी कैसे पेपर में अटेम्प्ट किया जाता है उसके बारे में भी आपको क्या नॉलेज होती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।